तो ये रहा हमारा मस्त चना, और अभी हम लोग जस्ट कांके में यहाँ कांके बाजार क्रॉस किए हैं और आपको दिखाया। और फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ दिखा रहे हैं, जस्ट टोल गेट पार किए हैं गोला का, और यहाँ देखिए ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी है। और ये सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी है यहाँ पे देखिए, क्या ये देखिए फ्रेंड्स, मठरी मठरी चाय। रात में रांची से बाहर कभी गए? मैंने इधर नहीं, कई सालों से नहीं, फीलिंग आ रहा है ना कि बारात। तो देखते हैं क्या क्या थोड़ा सा लेते हैं यहाँ से, भूंजा खाते खाते घर निकल जाएंगे। अभी कम से कम 3 घंटा लगेगा यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। सभी को नमस्कार और जोहार। और हम लोग निकल चुके हैं बोकारो। यहाँ आज मतलब आपको पहली बार दिख रहा होगा, ऋषि से ड्राइव कर रहे हैं इधर, और इधर हैं राजेंद्र सर, मजा लेते हुए आज बैक सीट का मजा ले रहे हैं। हाँ, और एज यूजुअल कैमरा पकड़ के ब्लॉग बनाते हुए तो हम लोग निकल रहे हैं ना। चना बहुत अच्छा बनाता है। कहाँ ये चना ले लीजिए बनवा के, खाते खाते चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर को थोड़ा सा मन किया चना खाने का, तो यहाँ पे चना नहीं नहीं आगे चना लेते हैं, दिखाते हैं कैसा चना बना। रिसर बोल रहा है बहुत बेहतरीन चना बनता है। तो यहाँ पे मस्त बनवा रहे हैं चना। सुना बहुत फेमस है तुम्हारा, इसीलिए सर बैठे हुए बोले उन्हीं के पास जाओ कार में। तो भैया बना रहे हैं चना, और सबसे बड़ा बात है, खासियत का बात है कि टमाटर महंगा होते भैया टमाटर भी डाल रहे हैं, क्या है कि नहीं एकदम सोने पे सुहागा। तो यहाँ हमारा मस्त बन रहा है चना, यहाँ प्याज वगैरह सब कटा हुआ है, प्याज है, बीटरूट है, टमाटर है, धनिया पत्ता है, ये कि आलू है ना भैया। भैया भैया बना रहे हैं चना, ये देखिए। तो हम लोग ऑन द वे हैं बोकारो के लिए, और चना का लुत्फ उठाते हुए चलेंगे। यहाँ राजेंद्र सर हैं, और ऑलमोस्ट डन। तो ये रहा हमारा मस्त चना, और अभी हम लोग जस्ट कांके में यहाँ कांके बाजार क्रॉस किए हैं और आपको दिखाया। ये नज़ारा है रामगढ़ घाटी का, वाह। तो ये रहा अच्छे लिखा हुआ ना यहाँ से, हाँ 10 किलोमीटर लिखा हुआ है रजरप्पा, सात 10 लिखा हुआ है 10। तो ये था रजरप्पा जाने का रास्ता, और अब हम लोग पहुँचने वाले कहाँ, गोला। एक इधर से भी रजरप्पा जाने का जगह है, ये उधर से आ रहे थे और मांझी से ना, ये देखिए और मांझी से आ रहे थे। यहाँ से भी रजरप्पा, यहाँ से कितना दूर दिखा रहा है, 12 किलोमीटर। नहीं संभलता है तो काला चलाते हैं, ऐसा ऐसा ट्रक चला रहा है। फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ दिखा रहे हैं, जस्ट टोल गेट पार किए हैं गोला का, और यहाँ देखिए ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी है। और ये सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी है यहाँ पे देखिए, क्या मिल रहा है, मस्त भुट्टा, ये देखिए। तो मतलब हम लोग ऑन द वे टू हैं बोकारो के लिए, और यहाँ पे सर बोले भुट्टा खाया जाए, तो हम लोग सोच रहे हैं मस्त भुट्टा खाते हैं यहाँ पे। और अब दुकान चुना जा रहा है कि कहाँ पे अच्छा भुट्टा मिलेगा। तो यहाँ देखिए, आप लीजिए आप लीजिए आप लीजिए। तो ये देखिए मेरे हाथों में आ चुका है भुट्टा, सब्जी भी ताज़ा ताज़ा मिल रहा है, तो मैक्सिमम भुट्टा का ही दुकान है यहाँ पर। हरा मिर्चा एक ले लीजिएगा, सबको लेंगे हरा मिर्चा। ये देखिए मौसम जैसा हो रहा है, गर्मा गर्म भुट्टा खाने का मजा ही आ गया। मजा आ गया।
वादियों के बाद बढ़िया चाय। पेड़ का नाम बताइए, भूल जाता हूँ। ये जो पेड़ है ना, क्या नाम है? सागवान। नहीं सर, सागवान नहीं जी सर। नहीं और बोलिए और। नहीं 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 सागवान नहीं। नहीं तो पेड़ खत्म हो गया। नहीं, पहुंच चुके हैं पेटरवार। जैसे वहां पिछला टोलगेट पे भुट्टा का भीड़ था, यहां पे मतलब क्या बोला जाए, यहां आपको आने जाने वालों का भीड़ मिलेगा है, क्योंकि ये बहुत फेमस जगह है। लगा दूं? हाँ वहीं लगाइएगा। अभी निकलेंगे तब तो। मतलब यहां स्नैक्स चाय आने जाने वालों का भीड़ रहता ही रहता है यहां पे। देखिए काफी जाम लग चुका है, ट्रैफिक जाम हो चुका है। मतलब लाइन से इधर गाड़ियां, उधर अपोजिट साइड जाने जो लौट रहे हैं उनकी गाड़ियां, जाने वाले की गाड़ियां, बीच में भी गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां। जहां से हम खड़े होते हैं गाड़ी वहीं से शुरू। मत समझिएगा, यहाँ लोग लगे हुए हैं गाड़ी को। मेला लगा दिया लोग, देखिए एक बाप बेटा से बिछड़ गया है। अब मिलेगा ये लोग जगन्नाथपुर मेला में। कब के बिछड़े? यहाँ मत लगा, यहाँ पे ट्रैफिक है, पे गेट है सर चिड़ियाघर का। लॉक लगा हुआ है सर, फाइन कर देगा। लॉक लगा हुआ है सर। लॉक लगा हुआ है, देखिए ना। कहाँ लेके जा रहे हैं आप? डेंजरस ड्राइवर हैं, ये भी ड्राइवर हैं हम तो। हाँ सर, सर का भुट्टा भी खत्म नहीं हुआ अभी। मजा आ गया। अभी उतरेंगे कहाँ से? उतरेंगे, देखा है उतरने का एकदम। अब रोड क्रॉस करके जाना है उधर, और सामने है होटल, पीते हैं चाय, कुल्फी चाय। ओ सॉरी, कुल्हड़ वाला चाय, कुल्फी चाय नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, मठरी, मठरी चाय। रात में रांची से बाहर कभी गए? मैंने इधर हाथ से नहीं, कई सालों से नहीं। फीलिंग आ रहा है ना कि बारात? हाँ हाँ, ये बात सही बोले, पूरा फीलिंग आ रहा है कि बाराती में जा रहे हैं। अच्छा लगा मठरी? है किसका ही नहीं पूछ रहा, खाली बस बाराती वाला फील लेते हुए जाना है। कूपन उपन दिया है? चाय का दिया कूपन? नहीं, पूछ लीजिए। चाय भी मस्त, यहाँ कुल्हड़ का साइज भी मस्त है। तो फ्रेंड्स ये देखिए सोसाइटी जो है यहाँ पे, रियली में मतलब बुखारों में ऐसा सोसाइटी मुझे नहीं मालूम था। वहाँ कम्युनिटी हॉल वगैरह कुछ है, फंक्शन चल रहा है। ये देखिए चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग। ये देखिए यहाँ हमारे राजेंद्र सर का गाड़ी पार्क है, और रात के बज रहे हैं। अच्छा, सेलेक्टेड बास्केट, यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट है लगता है, लगता है सामने देख सकते हैं आप। और ये प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए, इधर रेस्टोरेंट वगैरह है, और चारों तरफ इस तरह की बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंग है। और बाहर निकलते समय सिक्योरिटी का भी आपको दिखाता हूँ, गेट वगैरह। मतलब ऐसा है कि आप मतलब इतनी सिक्योरिटी है कि बोलते हैं ना, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यहाँ देखिए कुछ जिराफ इस तरह के बच्चों के पार्क में बहुत सारे जानवर बने हुए हैं। रात हो गया, ऐसे दिखा नहीं पा रहा हूँ। और मतलब भाई साहब, बिलीव नहीं हो रहा कि बोकारो में ऐसा सोसाइटी है। सर लोग का डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। हेलो सर, मजा आया? सोसाइटी से बाहर निकलते हुए बोकारो का अद्भुत जगह पे आए। यस सही में, अपार्टमेंट सोसाइटी उसके पर है। दीदी लोग तो भी बताई नहीं चला ऐसा चीज है यहाँ पे। दीदी लोग कहाँ रहती हैं? ये रहा भाई सिक्योरिटी, मतलब ऐसा सिक्योरिटी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्यों सर? एकदम सर, जब स्कैनर से सही बात है, जब स्कैनर से एंट्री हो रहा है, आने के पहले पूरा डिटेल्स लेके स्कैनर से एंट्री हो रहा है, और गेस्ट का फोटो खींच के होस्ट को भेजा जा रहा है कि देखिए आपसे मिलने आए हैं बोल के। और जबकि ये रास्ता आप देखिए, मतलब बिलीव नहीं कर सकता कोई अंदर आ, कितना अंदर आने के बाद ऐसा आपको सोसाइटी देखने को मिलेगा। देखिए चारों तरफ मतलब कुछ नहीं है,
और आगे आप जाइएगा तो दोनों साइड खटाल ही मिलेगा बस। फ्रेंड्स अभी बोकारो से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ देखिए सब्जी मार्केट, मतलब रात के 9 बज रहा है, 9 क्या 9:15 से ज्यादा 9:30 होने जा रहा है और बाजार में भीड़ देखिए। सही में हाँ लग रहा है कि साथ ही बाजार, एक तो स्पेसियस है, एक दुकान से दूसरे दुकान के बीच में गैप है, पार्किंग देख के आप सोचिए कि रात के 9:30 बजे मतलब रियली में। अब आप हम लोग कहीं डोर ओपन था, लग गया सर, तो मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आ गया तब राजेंद्र सर को याद है कि डोर ओपन है, तो डोर लग चुका है, सब्जी मंडी से बाहर निकल गए हैं, अब लगता है घर पहुंचते पहुंचते 1 तो बजेगा ही, 9:30 ना, हाँ 12 बजे 1 बज जाएगा सर, 9:30 बजे तक नहीं पहुँचना, मतलब 12:30 तक नहीं पहुँचना सर, स्ट्रेट ही ना सर, सर बताइए। फ्रेंड्स बात करते करते भूख लग गया तो यहाँ से लेते हैं भूंजा, बताइए 9:30 बजे रात में भूंजा का दुकान, और मतलब वैरायटी की बात की जाए तो क्या बोल रहे हैं सर, वैरायटी की बात की जाए तो मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ मतलब क्या चाहिए सब मिलेगा, भूंजा बनवा लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, गैस हो जाएगा सर खाली बादाम से। फ्रेंड्स अभी भी घर पहुंचे हैं और रात के बज रहा है 1, जो टारगेट लेके चले थे ये देखिए, और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, पूरा भीग गया ये देखिए, पूरा हेलमेट देख के सो गई थी, नहीं आता है तो चलिए कुछ खाते, हाँ फटाफट चेंज करते क्योंकि पूरा भीग गए हैं, फटाफट से कुछ खाएंगे सोएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब हाँ गए उतना दूर से गाड़ी से आए थे भीगे नहीं, पर यहाँ आने के बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे।